महिला शिक्षा सोसाइटी की मनोरमा बाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर विश्वविद्यालय से संबंध है। नागपुर विश्वविद्यालय के आजीवन शिक्षण बोर्ड के तहत मूल्यांकन के दो विषयों में 3 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। रियल इस्टेट का मूल्यांकन, प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन पाठ्यक्रम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन में औपचारिक, गहन और केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है। इसकी स्थापना के बाद से मूल्यांकन पैरों में कई बदलाव देखे गए हैं। इससे पहले 60 के दशक में संपत्ति कर अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किया गया था। केवल आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में डिग्री के कारण हमारे संबंधित पेशे में न्यूनतम 10 साल के अभ्यास के साथ मूल्यांकन में और पूर्वानुभव के साथ हम अपने पेशे में विकसित हुए थे। पहले के अधिकांश रियल इस्टेट मूल्यांकर्ता सरकार से सेवानिवृत्त इंजीनियर मो सेवा और इस पेशे को सेवानिवृत्ति के बाद एक अतिरिक्त पेशा माना जाता था। इसी तरह प्रतिभूति फाइनेंशियल इस्टेट्स के लिए वैल्यूअर्स केवल कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ आए। समय के साथ ये चीजें बदलने लगी क्योंकि लगभग सभी शहरों और राज्यों में विकास के साथ विस्फोट होना शुरू हुआ और एक स्वतंत्र अभ्यास पेशेवर के रूप में कई अधिक मूल्यांकों की आवश्यक सेवाओं की जरूरत महसूस होने लगी। एडवांस डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऐसे कोर्सेज हमने डिजाइन किए हैं। ये नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो लोग यहाँ पे एडमिशन लेंगे, और जो डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का है जिसमें 4 सेमेस्टर्स रहेंगे। एडवांस डिप्लोमा जो है वो 1 साल का है जिसमें 2 सेमेस्टर्स रहेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो 4 सेमेस्टर्स का है यानी 2 साल का, और टाइम शेड्यूल्स है, फी स्ट्रक्चर है, वो उसमें हम डिटेल में कैंडिडेट्स को बताएंगे। हाँ, कोर्स साधारणतः July 1st मध्ये चालू होईल आणि त्याच्यामध्ये आत्ता आम्ही 4 कोर्सेस चालू करतो आहे। त्यातले 2 आहेत ते रिअल इस्टेटसाठी आहे। अंडर ग्रॅज्युएट कोर्स आहे ज्याला 10th-12th हे त्यांना ॲडमिशन घेता येईल। पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आहे त्याला मिनिमम म्हणजे ग्रॅज्युएशन पाहिजे इंजिनिअरिंग किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये। सरकारी नीतियों और प्राथमिकताओं में भी तेजी से बदलाव आया है जिससे हमारा देश वैश्विक मंच पर आ गया है और मूल्यांकन पेशेवरों को दुनिया भर में अपनाए जाने वाले ज्ञान और अभ्यास के साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूर कर रहा है। इस स्थिति में भारत सरकार ने इस पेशे के लिए एक नियामक का एक निकाय बनाकर पहला कदम उठाया जिसका नाम भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड था, जिसे किसी भी मूल्यांकन को लाइसेंस जारी करने से पहले मूल्यांकर्ताओं की औपचारिक परीक्षा सौंपी गई थी। कैमरा पर्सन सुभाष भूटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।